हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खास गैजेट लेकर आया हूँ जो देखने ये है मीनिंग कीबोर्ड। इस मीनिंग कीबोर्ड का हम उपयोग अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में कर सकते हैं, तो चलिए आज इसको हम दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, इसका जो पैकेट है, पैकेट पर यहाँ आपको दिख रहा है ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये है टाइकोन मिनी वायरलेस एंड ओएस डिवाइस ब्लैक, ठीक है। और बैक साइड में देखो, यहाँ पर इसने MRP प्रिंट की हुई है 3990, जबकि ये प्रिंट हमने मंगाया था तो ये मुझे मात्र 550 रुपया ही लगा है। ये हमने अमेजोन से मंगाया था, साथ में हमें ये केबल मिला है, ये चार्जिंग करने के लिए है। और ये मेन डिवाइस देखो, ये है हमारा कीबोर्ड। इसमें आपको ये बटन दिख रहे हैं और ये जो पैनल दिख रहा है, यहाँ से हम अपना माउस स्वाइप कर सकते हैं। और ये जो नंबर से आपको दिख रहे हैं सारे, यार ये बैक पैनल देख रहे हो, इसमें आपको ऑन ऑफ का एक बटन दिख रहा है। ये है बटन हमारा ऑन ऑफ करने का, और बगल में है जो चार्जिंग बटन है जिसमें हम चार्ज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपने पावर केबल देख लिया कि पावर केबल से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे अपने इसको। अब खोल कर दिखाता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स मिलता है आपको एक बैटरी, लिथियम बैटरी, और एक आपको मिलता है ये ब्लूटूथ डिवाइस है फ्रेंड्स। ये ब्लूटूथ डिवाइस अगर आपको कंप्यूटर में लगाना है तो आप कंप्यूटर में लगाकर डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस ब्लूटूथ डिवाइस से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, इसे साइड में रखते हैं। अब आप इस बैटरी को देख रहे हो, बैटरी को अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है भाई, निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, अगर आपके पास जो सेल आती है पेंसिल सेल, वो भी आप यहाँ पर लगा कर यूज कर सकते हो फ्रेंड। तो अब इसको पैक करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, इसको जो केबल है, जो ये हमारा दिया है ब्लूटूथ डिवाइस, ये हम अपने मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्ट लिया है, ये मेल, ये यहाँ पे USB को इसमें कनेक्ट करने के लिए है। अगर कोई भी हमको USB वाला मोबाइल से कनेक्ट करना है तो वो लेते हैं। तो इसे मैंने सिंपल मार्केट से परचेज किया था, आप भी इसे ले सकते हैं। इसे हमने लगा दिया। और ये फ्रेंड आप देख रहे हो जो माइक्रो USB जो देख रहे हो, ये हम अपने मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट में लगाएंगे, जहाँ से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे फ्रेंड। तो ये था हमारा मेन किट। अब इसमें आपको मैं अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए मैं ऑन हो गया। ऑन होने पर फ्रेंड्स ये जो देख रहे हो, ये लाइट ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है, तो हमारा ऑन हो गया बटन। जो भी हम काम करेंगे तो ये हमारा अब प्रॉपर काम करेगा, हमारा डिवाइस जिससे भी कनेक्ट होगा उसमें ये काम करेगा। और ये फ्रेंड जो चार्जिंग पॉइंट है, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कि जब इसको आप चार्ज कैसे करोगे डाउन होने पर। तो ये हमने USB लगा रहा हूँ, ये सही से काम नहीं कर रहा, चलिए ठीक है ये लग गया। अब फ्रेंड चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पर एक पावर बैंक ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप इसको चार्जर से भी अटैच करके चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने पावर बैंक लिया है, जैसे ही मैं पावर बैंक में जोड़ूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर की लाइट जल गई। ये चार्जिंग लाइट है, इससे हमारा पता चल रहा है कि अब हमारा जो है चार्ज होना शुरू हो गया। और जब फ्रेंड्स हम इसको ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स ये मेरा कीबोर्ड काम नहीं करेगा अब जिस भी सिस्टम में जुड़ा हुआ है, बट ये जो डिस्प्ले का जितना भी आप देख रहे हो कीबोर्ड है उस पर लाइट जलने लगी फ्रेंड। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें।